गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास। कहानी शहीद, कहानीकार केएल गर्ग। बच्चे, आज असी शहीद कहानी दा एक्सट्रैक्ट नंबर 4 डिस्कस करांगे। इस दे एक्सट्रैक्ट लाइंस हन, हिस्ट्री वी ता पुत बंदे ही लिखदे है, किसे दे ना पा देन ते किसे दा कड छड्डन, भावे किसे नू हीरो बना देन ते किसे नू जीरो। फर्स्ट प्रश्न, ए वार्तालाप किस कहानी विचों लिया गया है ते कहानीकार दा ना की है। सेकंड प्रश्न, ए शब्द किसने किसनू कहे। थर्ड प्रश्न, ए वार्तालाप कदों उचारे गए, स्थिति बयान करो। चौथा प्रश्न, किसे दे ना पा देन ते किसे दा कड छड्डन, भावे किसे नू हीरो बना देन ते किसे नू जीरो, तो की भाव है। हुन पहला प्रश्न, ए वार्तालाप किस कहानी विचों लिया गया है ते कहानीकार दा ना की है। बच्चे, असी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम एज एक्सट्रैक्ट 1 आंसर 1। हुन सेकंड प्रश्न देखो, ए शब्द किसने किसनू कहे। वार्तालाप दे आधार ते ए शब्द लेखक के एल गर्ग ने अपने पुत्र नू कहे। ए वार्तालाप कदों उचारे गए, स्थिति बयान करो। ए शब्द लेखक ने उस समय कहे जदों उसदा मुंडा उसनू भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव दे ना गुआंडी देश वल्लों अपनी हिस्ट्री दी किताब विच्चों कढ देन बारे पुछदा है। असल विच भारत पाकिस्तान दी लड़ाई समय जद गुआंडी देश दियां फौजां ने हुसैनी वाला सरहद ते हमला कर दिता, ता उना दे सैनिक उत्थे लगे शहीदां दे बुत चुक के लाहौर लै गए, अते उना शहीदां दे बुतां दा लाहौर दे बाजारां विच जलूस कढ के उना नू शर्मिंदा किता गया। लेखक दा मुंडा इस सारा प्रोग्राम लाहौर टीवी तो देख लेंदा है, इसलिए ओ गुआंडी देश दे अजहे वतीरे प्रति शंका जाहर कर दिया लेखक नू आखदा है कि ए ता सांझे मुल्क दे शहीद हन, ते नाल ही अपने पिता नू गुआंडी देश वल्लों इन्ना शहीदां दे नां भी अपनी हिस्ट्री दी किताब विच्चों कड्डन दा कारण पुछदा है, ता उस समय लेखक अपने चेहरे दी दुखदी रग छुपाउण दी कोशिश करदे होए उपरोक्त शब्द कहंदा है। हुन बच्चे, फोर्थ प्रश्न, किसे दे ना पा देन ते किसे दा कट छड्डन, भावे किसे नू हीरो बना देन ते किसे नू जीरो, तो की भाव है। उत्तर, किसे दे ना पा देन ते किसे दा ना कड छड्डन, भावे किसे नू हीरो बना देन ते किसे नू जीरो, तो भाव ए है कि देश चलाउना सियासतदाना दे हत्था दी खेड है, इसलिए ओ अपनी सियासत चलाउन ले किसे भी मनुख नू हीरो जा जीरो दे रूप विच पेश कर सकदे हन, जिवें के कालियां दा हीरो गोरियां ले हमेशा जीरो रहा है, अते गोरियां ने अपना जीरो भी सदा हीरो बना के ही पेश कीता है। इस तो इलावा संचार दे साधन जिवें रेडियो, अखबारा, टीवी आदि भी किसे इंसान नू हीरो जा जीरो बनाउन विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदे हन, अते जिवें कहंदियां सरकारां ओवें चलदियां अखबारां दे कथन अनुसार एक फिरके दा अखबार देश दे अमन पसंद शहरियों उपर तेज तार हथियारां नाल हमला करन वाले कुछ लोकां नू गुंडे पाव जीरो करार करदा है, अते दूसरे पासे दूजे फिरके दा अखबार उन्ना ही लोका नू धर्म दी खातर शहीद होन वाले बहादुर लोग अर्थात हीरो दा दर्जा
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੰਬਰ 4 ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।